देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अस्थायी जेल में कैदी था, 14 दिन के लिए अस्थायी जेल भेजा गया था आरोपी को। कैदी का नाम रॉबिन वर्मा था। पूर्व में हुए दिन दहाड़े सुनार को आंख के हवाले करने में दोषी का हाथ था। फिलहाल जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश बघेल जुड़े हुए हैं इस वक्त। मुकेश, एक कैदी जेल में फांसी लगा लेता है, एक बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की दिख रही है। बिल्कुल, ये बात मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है कि जेल में फांसी लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना निकल के फिरोजाबाद से निकली है। और आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ये आरोपी ने आत्मसमर्पण किया था थाने में, अपने भाई को जलाने का मुख्य आरोपी था ये, और जो अगले दिन गिरफ्तार किया था पुलिस ने, और इसको 14 दिन अस्थायी जेल में के लिए भेजा गया था। कोरोना काल के चलते पहले कोई भी आरोपी फिरोजाबाद में जेल भेजा जाता है तो पहले 14 दिन के लिए अस्थायी जेल भेजा जाता है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जिला प्रशासन की निकल कर आई है। मुकेश, अच्छा ये बताइए कि क्या मतलब उसको फांसी उसने किस चीज से लगाई है जेल के अंदर, और उसको सामान कहाँ से उपलब्ध हुए? बिल्कुल, अभी इस बात के मौके पर कड़ी पहुंचे हुए हैं, पूरी बातचीत नहीं हो पाई है अधिकारियों से, जिससे ये पूरा सामने निकल के आ पाए कि किस तरह की ये घटना है और आखिर ये फांसी लगाने के उपकरण उस तक कैसे पहुंचे। जी, किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, अभी काफी फोन मिलाए हैं, कई अधिकारी अभी सब फोन नहीं पिक कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही संपर्क होता है आगे जानकारी दी जाएगी। मुकेश, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अस्थायी जेल में कैदी था, 14 दिन के लिए अस्थायी जेल भेजा गया था आरोपी को। कैदी का नाम रॉबिन वर्मा था। पूर्व में हुए दिन दहाड़े सुनार को आग के हवाले करने में दोषी पाया गया था। तो पुलिस की लापरवाही भी यहां सामने आ रही है कि कैसे एक कैदी ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली।